शहर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, दर्जा हरारत में वाजी कमी। कोट लखपत, मॉडल टाउन, जौहर टाउन में रिमझिम, फैसल टाउन, फिरोजपुर रोड, इसरा में भी बादल बरसे। डेविस रोड, रेलवे स्टेशन, दोमोरिया पुल के इलाके भी भीग गए। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान थम ना सका। मुख्तलिफ अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। ऑटोमेटिक मशीन के सर्फ की कीमत में 30 रुपए का मजीद इजाफा। मुख्तलिफ कंपनीज के पैक नमक की कीमत 10 रुपए बढ़ गई। खजूर, फूल मखाना, सफेद तिल, काले मिर्च भी महंगी। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। एक तोला सोना 10,500 रुपए महंगा। 24 के रात फी तोला सोना 2,10,500 रुपए का हो गया। 22 के रात फी तोला सोना की कीमत 1,92,958 रुपए तक जा पहुंची। मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट पेट्रोल मिलता रहेगा। हाईकोर्ट ने बगैर हेलमेट फराहमी पर पाबंदी के खिलाफ फैसला सुना दिया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की फराहमी के खिलाफ दरखास्त मंजूर। अदालत ने डीसी लाहौर के जवाब की रोशनी में दरखास्त मंजूर करके निपटा दी। स्मॉग का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की गाड़ियों की भी चेकिंग होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद होंगी। फूल और पौधे सस्ते दामों मिलेंगे। पीएचए फ्लावर शॉप्स और नर्सरियां कायम करेगी। नर्सरी पर पौधों और फूलों की 400 से ज्यादा इकसाम दस्तयाब होंगी। नर्सरी पर लोकल और गैर मुल्की पौधे भी दस्तयाब होंगे। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का पीएचए को रेवेन्यू हदफ बढ़ाने का हुक्म। एसएसपी हसन मुश्ताक सुखेरा का तबादला। एसएसपी एमपी पंजाब लाहौर तैनात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पंजाब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की गिरफ्तारी और फरार होने का वाकया। सीआईए इंस्पेक्टर की मदयत में फैसल टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। आबिद बॉक्सर और मुसल्ला गनमैन मुजाहमत करते रहे। आबिद बॉक्सर के दो साथी हमीदुल्ला और इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग्स के खिलाफ एमसीएल की कार्रवाइयां। कमर्शलाइजेशन की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद तामीरात मिसमार। उधर एमसीएल का तजावजात के खिलाफ क्रैकडाउन। शालीमार लिंक रोड, जीटी रोड पर तजावजात का सफाया। रियासत मुखालिफ तकरीर का केस। मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। चालान की कापियां फराहम की गई। आइंदा समाअत पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। मियां जावेद लतीफ कहते हैं नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के दुखों का मदावा है। कौमी जमातों को कमजोर करने की रविश खत्म होनी चाहिए। मार गई महंगाई, वकीलों का गुजारा भी मुश्किल से होने लगा। 1,60,00,000 से जायद के वाजबात की अदायगी पर 3,000 से जायद वकला नाअहल करार। 5 अजला में बैंकिंग अदालतें कायम करने का फैसला। लाहौर की 7 बैंकिंग अदालतों पर बोझ कम होगा। आइंदा हफ्ते से सियालकोट, हाफिजाबाद, बहावल नगर में अदालतें काम करेंगी। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल और सहाफी की फलाह बहबूद के लिए इकदाम पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी बोले पहली बार सहाफियों के लिए 1 अरब का इंडोमेंट फंड कायम किया। मुस्लिम लीग नून का एक और पावर शो करने का फैसला। नून लीग 15 अक्टूबर को एक बड़ा अवामी जलसा करेगी। कसूर रोड ललियानी के नवाही इलाके मुस्तफाबाद में जलसा होगा। शूज मटेरियल मार्केट में मुस्लिम लीग नून ट्रेड विंग का की कॉर्नर मीटिंग। चौधरी आमिर सिद्दीकी बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा से लाहौर की सियासी शख्सियात की मुलाकात। परवेज शफी, गुलाम मुस्तफ़ा, असगर अली डोगर पीपल्स पार्टी में शामिल। हसन मुर्तजा ने कहा मियां नवाज शरीफ पहले अपनी सजा पूरी करें, फिर इलेक्शन में हिस्सा लें। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम का जना बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सेंटर का दौरा। इमरजेंसी वार्ड में दाखिल मरीजों की अयादत की। डॉक्टर जवेद अकरम ने इजलास की सदारत भी की।
डॉक्टर जावेद अकरम जनरल अस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज भी गए। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की मुनासिबत से तकरीब, निगरान सूबाई वजीर जावेद अकरम की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सूबाई वजीर ने पेंटिंग्स के स्टॉल्स का भी दौरा किया। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की मुनासिबत से आगाही वॉक भी की गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत वन विंडो सेल पर इजलास। LDA को डिजिटलाइज करने के हवाले से ब्रीफिंग। वन विंडो सेल पर जारी रिफॉर्म्स का तफसीली जायजा भी लिया। उधर लाहौर फेस्टिवल के हवाले से इजलास। फेस्टिवल 28 अक्टूबर से शुरू होगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एहसन इकदाम। अलील पुलिस एहलकारों के किडनी ट्रांसप्लांट का आगाज। पंजाब पुलिस और PKLI के दरमियान मुआहदा। पहले एहलकार का मुआहदा के तहत किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। DIG वेलफेयर ने अलील एहलकार समर अब्बास की अयादत भी की। SSP इन्वेस्टिगेशन की जेरे सदारत इजलास। जेंडर सेल की कारकर्दगी का जायजा। डॉक्टर अनूज मसूद का जेरे तफ्तीश मुकदमात का तफसीली जायजा। जेरे इल्तवा मुकदमात पर इंचार्जेस की सरजनिश। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ का इजलास। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने सदारत की। व्हीकल स्नैचर और व्हीकल चोरों की गिरफ्तारियों का जायजा लिया। CEO LWMC बाबर साहिब दीन फील्ड में मुतहरिक। सफाई इंतजाम का जायजा लेने के लिए जौहर टाउन गए। जीवन मार्केट, खोखर चौक, शादेवाल चौक, अब्दुल हक रोड का भी दौरा किया। सीनियर सहाफी मुमताज तजियाकार। आरिफ निजामी की आज सालगिरह। मरहूम डेली नेशन के साबिक एडिटर थे। आरिफ निजामी अंग्रेजी अखबार पाकिस्तान टुडे के बानी और एडिटर और नवाए वक्त ग्रुप के बानी हमीद निजामी के फर्जंद थे। सिटी न्यूज नेटवर्क से भी वाबस्ता रहे। रहीम स्टोर इकबाल टाउन में उमरे के टिकट के लिए कुरानदाजी। मुलाजमीन जहीर बेग, अशरफ फजल, इमरान, जीशान को टिकट दिए गए। दाना अब्दुल राफे, इब्राहिम हक समेत दीगर ने भी शिरकत की। ऐवान अदल में लाहौर बार के जेर एहतमाम महफिल मिलाद। सेशन जज लाहौर कैसर नजीर भट्ट, जज सैयद अब्बास काजमी शरीक हुए। सदर लाहौर बार इंतजार हुसैन समेत वकला की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट के जेर एहतमाम महफिल मिलाद। नात खान ने बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश किया। साबिक सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल्ला खान सुम्बुल की रस्म चहलम। इफ्तिखार अली सहू, मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान शरीक हुए। अहमद रसा सरवर, सुमेरा अहमद सैयद, अब्दुल्ला खुरम समेत दीगर शख्सियात में शरीक। गार्डन टाउन में आम आवाम पार्टी के जेर एहतमाम अफकार इकबाल पर नशस्त। चेयरमैन सुहेल जिया भट्ट ने सदारत की। सुहेल आशारी, डॉक्टर यूनस जावेद और फल शाहिद महमूद की शिरकत। प्रेस क्लब में डॉक्टर जमील जालबी अवार्ड की तकरीब। 2022 की बेहतरीन किताबों के मुसन्निफीन के नामों का ऐलान। डॉक्टर खावर जमील, डॉक्टर मोहम्मद कामरान, प्रोफेसर डॉक्टर जियाउल हसन ने शिरकत की। जस्टिस असजद जावेद गराल के बेटे अब्दुल्ला असजद की दावत वलीमा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट, जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस शाहिद वहीद शरीक हुए। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने शिरकत की। जस्टिस शराम सरवर चौधरी, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी भी शरीक हुए। राणा सनाउल्ला, आजम नजीर तारण, इश्तियाक खान, एहसन बून समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। क्वीन मैरी ग्रेजुएट कॉलेज में ओल्ड क्वीन मैरियन एलुमिनाई का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। डॉक्टर समरा इमरान, जलवत अली, शिरी जफर समेत दीगर भी शरीक हुई। सिटी स्कूल रावी कैंपस लाहौर में क्लस्टर लेवल तकरीरी मुकाबला। 30 से ज्यादा कैंपसेस के तुलबा और स्टाफ की शिरकत। बेहतरीन तकरीर पर तुलबा को इनामात से नवाजा गया। कुमसैट यूनिवर्सिटी में सजा गाड़ियों का मेला। ड्रग फ्री ऑटो शो गाड़ियों ने शायकीन के दिल जीत लिए। चमचमाती गाड़ियां और मोटर बाइक शुरका की तवज्जो का मरकज रही।
CPL विंटर क्रिकेट लीग का आगाज। साइबर मार्ट ने PTCL को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। KPZ11 ने जेफर टेक्सटाइल को 5 रन से हरा दिया। शहरयार मलिक मेमोरियल पाकिस्तान ओपन टेनिस चैंपियनशिप, मोहम्मद शुएब ने मेंस इवेंट और महक खोकर ने गर्ल्स इवेंट जीत लिया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स शाहिद जमान और रशीद मलिक ने इनामात तकसीम किए। कुल पाकिस्तान मौसीकी 2023 की तैयारियां शुरू। मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस के तलबा ने ऑडिशन दिया। कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस 23 से 27 अक्टूबर को होगी।